Good morning, student. Today we will start BCom Part 3 ABST Paper 1 Corporate Accountancy. Students, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था. क्वेश्चन नंबर 11 था, सिंपल है, आई थिंक आपने कर लिया होगा. मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 12 है वो करवाता हूँ. तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे. यस, देखिए स्टूडेंट्स, अपने को इसने बैलेंस शीट दी है. बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, मोटर व्हीकल भी दे रखी है. मोटर व्हीकल में डेट दी है, कब परचेज किया है, तो उस डेट से आप अकाउंट एंड करने तक की डेट आप काउंट करना, कितने मंथ होते हैं वो मेरे को बताना. उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतने मंथ का. उसके बाद स्टॉक है, डेप्ट है, इन्वेस्टमेंट है और कैश है. आउटसाइड लाइबिलिटीज भी 5% डिवेंचर है, सिक्योर लोन है, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है. और ये होने के बाद अपने पास करंट ईयर का प्रॉफिट इसने 4,12,500 दे रखे हैं. अपने को ये कहता है अपने को गुडविल कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड से. तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड से करनी है. तो आप सबको पता है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट तक के स्टेप सभी कंप्लीट करने हैं. अब इसमें अपने को NRR की जो रेट है वो नहीं दे रखी है. नए अपने ये है कि NRR की जो रेट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए अपने को NRR के लिए इसने क्वेश्चन में बताया है डिविडेंड पर शेयर है 25 है, मार्केट वैल्यू पर शेयर है 250 है. तो हम NRR का फॉर्मूला लगा के NRR की कितने परसेंट आएगी वो कैलकुलेट करेंगे. ये हमने स्टार्टिंग में जब इसके स्टेप लिखे थे ना गुडविल के, उस समय नोट में आपको मैंने लिखवा रखा है. यदि NRR क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अपन इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं. 90% क्वेश्चन में NRR देता है, बट इसमें नहीं दे रखा है तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि NRR क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. तो अपन NRR भी कैलकुलेट करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, वो ही स्टेप रहेंगे. फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ. फर्स्ट होता है रजिस्टर्ड प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट, फिर FMP, फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल. ये अपने स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स, इस स्टेप को ऐसे ही याद रखना है. तो फर्स्ट पॉइंट अपना है वो अपना है रजिस्टर्ड प्रॉफिट, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट गिवन होते हैं तो करते हैं, तो अपने पास लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट नहीं है, इसलिए एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं किया जाएगा. फर्स्ट पॉइंट ही FMP से स्टार्ट किया जाएगा. यस, अब देखिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ FMP. कैलकुलेशन ऑफ FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यहां लिख देते हैं प्रॉफिट. प्रॉफिट गिवन है अपने पास 4,12,500. इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड कदम में प्लांट मशीन की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है. तो जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बेनिफिट किसका होता है, डेप्रिसिएशन का होता है. डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, कम लगेगा. और फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसमें क्या होता है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेप्रिसिएशन एडिशनल लगता है. तो प्लांट मशीन है उस पर फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो बेनिफिट होगा. तो यहाँ लिख देते हैं सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी कितने, ये 11,25,000 है, ये अपने बुक वैल्यू थी. अब उसकी वैल्यू कितनी होगी है 9,00,000.
और 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितने करना है? 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि ये वैल्यू कब हुई है, कब हुई है, तो फिक्स एसेट की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो आपको डेप्रिसिएशन की सेविंग होती है, बचत होती है, ठीक है, ये सब आपको पता है। ये इसमें ऐड कर देती है। इसके बाद लिखेंगे लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, 4.50 की है उसने और बुक वैल्यू है 1.50। बुक वैल्यू कितनी है? 1,50,000। अब इसका 10% कर देते हैं, 10% डेप्रिसिएशन अपने को लगाना है तो ये होगी 30,000। इसके बाद अपने को मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन लगाना है 12 मंथ का, ठीक है, मोटर व्हीकल पर रेंट एयर का ही डेप्रिसिएशन लगाना है 12 मंथ का, तो यहाँ लिख देते हैं लेस में ही डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल है वो 15,000 की है और ये 15,000 और 20% डेप्रिसिएशन के लिए बोल रहा है, ये 20% डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस, तो ये हो गए 3,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैकअप क्रिएट करने हैं 10%, तो यहाँ लिख देते हैं लेस बैकअप है वो डेटर्स पर क्रिएट किए जाते हैं, सबको पता है, तो अपने पास डेटर्स है वो है 1,50,000 इनटू 10% क्रिएट करना है 15,000। ये 15,000 बैड डेप पे करती है, ये लेस करने के बाद जो आएगा उसको आप बोलोगे FMP। ये ऐड लेस करने के बाद ये अपनी FMP, तो स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, फिर आगे वाला अपना स्टार्ट। नेक्स्ट अपना फंड होता है, उसका नाम है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पॉइंट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने को असेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्या करना है, लेस करना है, तो अपन लिखते जाते हैं लैंड बिल्डिंग अपने को 30,000। बुक वैल्यू नहीं है, ये रियलाइज वैल्यू है। प्लांट मशीन, ये भी रियलाइज वैल्यू है। इसके बाद है मोटर व्हीकल, अब देखो मोटर व्हीकल है वो यही देते हैं 15,000 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है 4,500। ये 4,500 इसमें से लेस करते हैं और ये 10,500 यहाँ देते हैं। तो स्टूडेंट्स मोटर व्हीकल पर अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है, वो भी 18 महीने का 20%, ठीक है। 18 महीने कैसे आएंगे, आपको बुक में देखिए मोटर व्हीकल कब परचेज किया है उसकी डेट से 31 मार्च तक की डेट काउंट कर लीजिए, तो 18 महीने ही आएंगे, तो 18 महीने का डेप्रिसिएशन 15,000 पर लगाना 20% के अकॉर्डिंग, 18 महीने का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहेगी 20%, 15,000 किए। अब आप स्टूडेंट्स ये कहोगे कि आपने FMP में तो 12 मंथ का लगाया है, तो स्टूडेंट्स FMP ओनली 12 मंथ की होती है, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ मैं कि अब ये मोटर व्हीकल की वैल्यू है वो 10,500 रही है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ ये WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब इसमें अभी तक का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद अब इसकी वैल्यू 10,500। इसके बाद अपने पास है स्टॉक, स्टॉक दे रखे है वो लिख देंगे
इसके बाद डेटर्स, डेटर्स में बैड डेब्ट लेस करके 150 से 15,000 बैड डेब्ट हैं वो लेस कर दीजिए और यहाँ लिखिए। इसके बाद अपने पास है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में है इन्वेस्टमेंट भी देख के लिखना है और लास्ट है कैश, ये भी अपने को देख है वो लिखते हैं 72,000। अब ये सभी एसेट्स है इनका टोटल वहाँ लिखेंगे। इनका टोटल है वो लिख दिए, फिर लिखेंगे लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी है वो लिखेंगे। तो ये तो लिखते हैं 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर है वो लिख देते हैं। इसके बाद सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन ये लिख देते हैं यहाँ पर, और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स भी यही अमाउंट है 1,125। अब स्टूडेंट्स इसमें से ये लेस कर देते हैं, लेस करने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें आप क्या करते हो 1/2 करंट का प्रॉफिट लेस करते हो, तो लिख देते हैं लेस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट। ये आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको ये अमाउंट कैसे ही है, तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 4,12,500, 4,12,500 जो करंट ईयर का आपका प्रॉफिट है उसमें आप बैड डेब्ट के लेस करना 15,000, बैड डेब्ट के कितने 15,000 बैड डेब्ट के लेस करना, और मोटर व्हीकल जो आपने खरीदा था उसका 12 महीने का डेप्रिसिएशन मीन्स 3,000 डेप्रिसिएशन लेस करना है, उसके बाद हाफ करना है। कहने का मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से आपको बैड डेब्ट के 15,000 लेस करने हैं, मोटर व्हीकल के 3,000 डेप्रिसिएशन लेस करना है, ओनली 3,000 करना है 12 महीने के, 18 महीने के नहीं करना है। तो ये करने के बाद जो आएगा उसका हाफ करना है, तो ये अमाउंट आएगा। अब ये करने के बाद ये आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद स्टूडेंट्स सबको पता है इसके बाद अपने को क्या करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल, और ये सभी क्या है फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन प्राइमरी कैलकुलेशन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको देख कर ही अपने को लिखना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें NRR की रेट नहीं दे रखी है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं क्लीन करता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो अपने पास कैलकुलेट है, ये तो लिख देते हैं अपन, इनटू NRR अपने पास नहीं है, NRR यहाँ मैं काउंट कर देता हूँ, इसके नीचे एक नोट लगाता हूँ नोट, और नोट लगा के लिखेंगे NRR इक्वल DPS डिवाइड में MP इंटू 100। DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर 25 गिवन है, MP का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर
250 into 100, 10%, ये अपने को दे रखा था। डिविडेंड पर शेयर है 25 क्वेश्चन में गिवन था, मार्केट प्राइस पर शेयर है 250, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। पीई वैल्यू पुट की एनआरआई की रेट है 10%, इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 10%। ये एनआरआई आ गया आपका 10, मैंने कम कर दिया है, तो ये एन नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये आप नोट करिए। इसके बाद आगे अपन करते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एफ एन पी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफ एम पी हमने कैलकुलेट की है तो वो देख कर वैल्यू पुट करेंगे। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी क्या है, अभी इसमें से क्या करते हैं लेस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट है, इसके बाद लास्ट पॉइंट अपना पॉइंट नंबर लास्ट गुडविल इक्वल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू पीजीवी प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, ये अपने को दे रखा है इसने। सुपर प्रॉफिट अपने पास कैलकुलेट है दिस वन इनटू पीवी की रेट अपने को देखिए वो देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख देते हैं, ये अपने गुडविल आ चुका है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपने वो मोटर व्हीकल वाली डेप्रिसिएशन की कार्रवाई वो थोड़ी समझने वाली बात है, और एक फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज है तो डिक्रीज होती है ऐड करते हैं और इंक्रीज होती है लेस करते हैं, किसमें एफएमपी। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई या सेविंग डेप्रिसिएशन की कार्रवाई है, ये आपको पता है। एक नया पॉइंट क्या आया था एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उसकी परसेंटेज के लिए भी फॉर्मूला आपको अभी बताया था, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, एफ एम पी से ही गुडविल को कैलकुलेट करना है। एफ एम पी जो आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये एफ एम पी जो भी आए ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आएगी। अब इसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है, आपको लास्ट 4 ईयर की प्रॉफिट है, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट 4 ईयर की प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो आप 4 कॉलम बनाना है और एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना। आपको कहता है कि लास्ट 4 ईयर में फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की थी 30,000 की, मशीनरी परचेज की थी कितनी 30,000 की, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान के पीएनएल में चार्ज की है, तो ये उसने गलत किया है। तो आप फर्स्ट ईयर वाले में 30,000 वापस क्या कर देना, ऐड कर देना, क्योंकि मशीन जो परचेज करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो आप उसको क्या करोगे, 30,000 को वापस फर्स्ट ईयर वाले प्रॉफिट में ऐड कर देना, क्योंकि उसने रेवेन्यू मान के ये चार्ज कर दिया है, ये रेवेन्यू नहीं था, ये क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो वो जो मशीन उसने खरीदी है वो उसने रेवेन्यू मान के पीएनएल के डीआर में लिख दिया है। तो आपको पता है पीएनएल के जब डीआर में लिखता है रॉन्ग पोस्टिंग करता है, तो आपको वापस ऐड करना है, ये तो आप करना। और एक उसने मिस्टेक किया है, लिखने से भूल गया, मैंने बता रखा ना, मिस्टेक ये किया है कि फिक्स एसेट्स पर उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 4 ईयर तक, बट उसने ये काम नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, 4 वर्ष तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 4 कॉलम बनाओगे ना प्रॉफिट के, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन 4 मंथ का लगेगा, क्योंकि मशीन जो परचेज की है उसकी डेट दे रखी है दिसंबर में की है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 30,000 पर 10% के अकॉर्डिंग, 4 मंथ का मीन्स
1000, तो पहले वर्ष तो डेप्रिसिएशन रहेगा 1000 फोर मंथ के लिए, समझ में आ गया। दिसंबर में मशीन परचेज किए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में एंड हो जाता है तो फोर मंथ का अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 30,000 की अपने मशीन है तो 30,000 × 10% × 4/12, तो ये 1000 आएंगे। तो 1000 लिखना, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन बेसिस पर लगाना। रिटर्न डाउन बेसिस का मतलब ये होता है 30,000 में से 1000 लेस कर देना, कितने, 29,000 × 10% लगाना, 2900 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन लेस करते हुए रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते जाना फोर मंथ के लिए, ये करना है। फिर आप लोगों को ये एक ट्रांजेक्शन और के बोलता है, सेकेंड ईयर में वो कहता है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर दिया 12,000। तो जब ओवर वैल्यूएशन करता है तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लोजिंग स्टॉक सीआर में आता है, सबको पता है, तो सीआर में उसने गलत लिख दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना है। बट ये ध्यान में रखना है कि वो सेकंड ईयर में मिस्टेक हुए वो थर्ड ईयर में ओपनिंग में चली गई है, तो थर्ड ईयर में 12,000 ऐड करने हैं, समझ में आ रही है ना। सेकंड ईयर में 12,000 लेस करने हैं क्लोजिंग स्टॉक के, और वही क्लोजिंग स्टॉक थर्ड ईयर में ओपनिंग में चला गया तो ओपनिंग में डीआर में लिखते हैं, इसलिए डीआर में मिस्टेक है, डीआर में मिस्टेक है तो आपको ऐड करना है। तो 12,000 सेकंड ईयर में तो लेस करने हैं, थर्ड ईयर में 12,000 ऐड करने हैं। ये ट्रांजेक्शन करके आप एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर देना, फिर एवरेज प्रॉफिट करना, और एवरेज प्रॉफिट करने के बाद एक एफएमपी की कैलकुलेशन करना। एफएमपी में आपको क्या करना है, फर्दर एक्सपेंसेस आपको बताएगा कि इतने 700 रुपये के एक्सपेंसेस के आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ऐसे लिख दे कि एक्सपेंसेस विल नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, तो आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 700 रुपये आगे नहीं लगेंगे, 700 × 12 = 8,400 आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। इसी प्रकार से वो कहता है कि आगे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, 24,000 के मैनेजमेंट के खर्चे बढ़ेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तो लेस कर देना एफएमपी में। तो ये एफएमपी कैलकुलेट करेंगे, एफएमपी करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, गुडविल आएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करना। थैंक यू।